नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, जहां चाहा वहां रहा, आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने गन्ना बोने की मशीन जो है खुद ही तैयार कर ली। और इसके पीछे क्या इनका मकसद था ये तो इन्हीं से पूछेंगे, लेकिन थोड़ी सी जैसे मेरी बात हुई है इनसे तो इन्होंने कहा कि भाई लेबर जो है आजकल नहीं मिलती, परेशानी रहती है, तो हमने जो है अपना दिमाग लगा के ही ये मशीन तैयार कर ली। और क्योंकि बाज़ार से मिलने वाली जो मशीन है वो बहुत महंगी है, ये हमें बहुत सस्ती पड़ी है, तो सारी की सारी जानकारी आपको किसान से दिलवाते हैं। पहले थोड़ा सा परिचय लेंगे इनका। तो बाबूजी, आप थोड़ा सा यहाँ आ जाओ मशीन के सामने, अपना नाम और जो है अपना एड्रेस बता दो पहले। तो सबसे पहले तो मेरे राम राम सब भाई हो जी। जी, और मेरा नाम सुभाष कहकर पुकारे। अच्छा जी, सुभाष त्यागी। सुभाष बुढ़ाना। बुढ़ाना। अच्छा जी, मोहल्ला भटवाड़ा जी। और ये आपका कितना चक है जी यहाँ सबसे पहले? मेरे तो 22 बीघे धरती है। 22 बीघे जमीन धरती है जी। और 9 बीघे धरती चंदेड़ी में है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो बाबू जी, आपने जो है, मैं अभी जा रहा था सड़क पे थी, जान लग रहा था आप जो है इसमें गन्ना बो रहे हैं, और ये पाइप आपने सिंपल तरीके से लगा रखी है, तो ये आपने कैसे सोच आई आपकी, और क्या विचार करके आपने मशीन बनवाई? भाई विचार तो ये है कि इन दिनों आके लेबर तो मिलती नहीं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेबर की बहुत समस्या है जी। अब बोने में बड़ी परेशानी रहे। अच्छा, अब हम बाबा बेटे 3 आदमी सारे ही हैं। जी 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 जी। अब ये 3 आदमियों से हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही। अच्छा, बीज पेड़ना अपना रख दिया और बैठ जाओ, इसे धीरे आराम से किया, आराम से बोलिए। अच्छा, कंजी सही पड़े। जी जी, कोई दिक्कत वैसे मैं देख रहा जी, बहुत प्यारा बुआई हो रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अभी आपको चला के भी दिखाऊंगे किसान भाई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक इसमें पैसे की भी बचत हुई होगी, आपने पता करा कितने की मशीन आई? ये जो है मुझे 17,500 रुपए में पड़ी। बन गया सारा सिस्टम? अच्छा, यो लेजर भी मतलब 17,500 में ही सारा? ये तो बहुत मंदा बना जी 17,000 का, तो यो कंपनी का खरीद रहेगा, ये खून फाड़ने वाला भी नहीं आनेगा मुझे। मैं अपने खुद बैठ कर बनवाया ना। अच्छा जी, मैं किसी की सलाह नहीं, अपने हिसाब से मतलब थोड़ी सी कमी रह रही, जो मिट्टी ढकने का मैटर का जो जुगाड़ है। अच्छा, वो सही नहीं बन पाया, पाइप फट के रह गई। आ जाओ थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, कैसे कैसे क्या करा जी? ये जो है इस पे यहाँ एक पट्टे का मैटर लगा लो। अच्छा, मैं वो रख रखा हूँ जुगाड़, इसमें मेड़ा लगेगा पीछे, मतलब साथ के साथ मेड़ा भी लगता जाएगा। भाई बहुत बढ़िया जी, आपने पूरा दिमाग लगा रखा। अच्छा, यदि हमें पार दबाना मेड़ा, हाँ, तो उससे तो मेड़े से दबा दो इसे। अच्छा, और सोके का बोना, हाँ, तो मैं एक होल ला रखा जुगाड़, वो इसमें फिट करने के बाद वो हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा देगा खोल से। अच्छा, तो यो नहीं होने का भाई फिर दोबारा हमें मेड़ा ताड़ना पड़े, सूखे का भी बोल सके, हल्की मिट्टी लगा सके, और अगले का भी, पले का भी। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये 28 इंच पे है जी सारा? 28.5 इंच पे मान लो। अच्छा, 28.5 इंच पे। जी 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 जी। और सारा जो है यो किस कहाँ पे बनवाया वैसे आपने? ये यही बुढ़ाने ही बनवाया वैसे। अच्छा, बुढ़ाने ही बनवाया, मिस्त्री ने बना दिया उसे, जैसे जैसे मैं बताता रहा वो उसी तरीके से करता। अच्छा, एक चीज और बताओ जी, अगर यो सिंपल ही बनवाना चाहे, ये सब जुगाड़ना चाहो, मिस्त्री बना देगा, ये 3 घुरपो वाला और सस्ता बना देगा जी? ये 12,500 का। 12,500 का। अच्छा, आगे का सिस्टम? अच्छा, 12,500। जी जी जी। अच्छा, इसमें जो है आपने ये 3 कुर्सी तो लगा दी, बैठने वाली 3 आदमी बो सके? 3 आदमी एकदम बो सकते हैं। अच्छा जी, और यो आगे समा इसमें तो बहुत कांची आ जाएगी जी? जो है यदि हमारा समझ लो के 218 फुट की चौड़ाई है इसकी। अच्छा, इस चक्की 218 फुट की इस तरीके से चौड़ाई है। हाँ हाँ, इसमें एक बार इधर को चला जाएगा और एक बार इधर को, इतना गन्ना आ जाएगा एकदम। बहुत बढ़िया। तो किसान साथियों, ये देखो बहुत बढ़िया जुगाड़ बाबूजी ने बनवाया, और आसानी से जो है बुआई कर रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं आया। ये देखो कितना सारा गन्ने इसमें आ गए। अब आपको हम चला के दिखाते हैं और बुआई भी दिखाओगे कितनी बढ़िया हो रही जो है, कोई कंची इधर उधर नहीं, कोई इधर उधर नहीं जाने की। तो ठीक है जी, एक फेरा ला के दिखाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया जी, अब आपको दिखाता हूँ कितने मतलब प्यार से बुआई होती है, और 2 आदमी चाहे कितना ही आराम दे बिना थके आराम से बुआई कर लो। ये देखो जी, दोनों आराम से बैठे बीच में, और 2 खूड़ एकदम से बोरे, 3 बोना चाहे तो 3 भी बो सके।
काम करते हुए सब रेडियो को यार। लेबर की तो खैर वाकई में ही समस्या है बहुत बड़ी, जल्दी कुछ ना करियो। ये देखो जी, अब बिल्कुल फूड में जो है ट्रैक्टर आ गया। ये ले और क्योंकि इस पर दो आदमी बैठे, फूड भी बहुत गहरे निकालता है ये। ये देखो बोना उन्होंने शुरू कर दिया, कंची डालनी फूड में शुरू कर दिया। और ये देखिए बुआई होनी बिल्कुल शुरू हो चुकी है, ऊपर से वे गन्ने डालते जा रहे और नीचे जो है फूड में गन्ने डालते जा रहे। ये देखो भाई वाह, मैं पीछे चल रहा हूँ, आपको बुआई भी दिखाता हूँ। गहरे फूड निकल रहे बहुत बढ़िया। 13235 की ये बुआई कर रहे हैं इसमें, जो अगर कोई एक आधी कंची इधर उधर थोड़ी बहुत हो भी जाती है, हल्का मेड़ा लगेगा, जब मेड़ा लगेगा इस पे बिल्कुल फूड में जा। ये देखो पूरा फूड दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो जी पूरा खुद की मैंने आपको बुआई दिखा दी। इधर मैं चल के और भी दिखा देता हूँ। किसान भाइयों बिल्कुल सही बुआई हो रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई इन्हें। ये देखिए बहुत बढ़िया खुद निकल रहे। आने की ये लो जी, अब अगले खुद में जो है ट्रैक्टर चलने वाला है। आपको एक बार और दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो दोनों भाई इसमें गन्ने डालते जा रहे और बुआई होती जा रही है।